बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आप। मैंने बस इतना ही कहा है कि बाबा से आप ही लड़ती हैं। अब आप मुझे समझाओगी? मामा नहीं लड़ती, बाबा लड़ते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मामा को गुस्सा बहुत आता है। क्या कहा? बाबा गुस्सा दिलाएंगे तो गुस्सा ही आएगा ना। बिल्कुल, समझ ही नहीं आ रही कायनात को। मामा इस तरह घर का माहौल खराब होता है। तो क्या मेरी वजह से होता है? बाबा की वजह से माहौल खराब होता है। सीखो कुछ, छोटा होके कितनी समझदारी की बातें करता है। मामा इसमें हमारे अपने घर का ही फायदा है। फायदा नुकसान भी इस घर का सिर्फ मैंने ही देखना है। कब से मुझे डांटे जा रही, उसको कुछ नहीं कह रही। ओ बेवकूफ, मामा की तारीफ करो और हाँ में हाँ मिलाओ। मैं झूठी तारीफ क्यों करूँ, वरना रात की पिज्जा पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आप सही कह रही हैं मामा, बाबा ही कसूरवार हैं हर चीज के। यही तो कह रही थी, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। नसीहत सच्ची खैरख्वाही है जिसे हम नहीं सुनते, लेकिन खुशामद वो बदतरीन धोखा है जिसे हम तवज्जो से सुनते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। खुशामद वो होती है जो लोग किसी न किसी मुफाद के लिए करते हैं। सामने की गई तारीफ तारीफ नहीं होती, उसमें कोई मतलब छुपा होता है। तारीफ वो जो पीठ पीछे की जाए।